so uh, this is the second lecture of uh, learning japanese in this lecture we'll understand a little about the history of japanese language so before going to the history let me tell you one thing that uh, when you learn hiragana plus katakana so together we'll say दिस इज काना स्क्रिप्ट साथ में हम इसको क्या बोलते हैं काना स्क्रिप्ट ओके एंड हीरा गा एंड काता गाना आर फिनोटिक सिम्बल्स ये दोनों क्या हैं ये दोनों फिनोटिक सिम्बल हैं फोनाइटिक सिम्बल्स हैं मतलब इनसे क्या होती है इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे कि काखा का, 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 ए बी सी डी ठीक है सेम टू सेम ये क्या है फिनोटिक सिंबल है जस्ट लाइक बी सी डी और कखा और का ओके फिनोटिक सिंबल तो दोनों हीरा गाना और काता गाना दोनों में फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स सिंबल्स होते हैं दोनों लैंग्वेज दोनों स्क्रिप्ट्स के पास अपने फोर्टी सिक्स सिंबल्स हैं दे ओन फोर्टी सिक्स सिंबल हीरा गाना के पास खुद के फोर्टी सिक्स सिंबल्स हैं एंड काता गाना के पास भी हैं 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 ओके सो so, के के पास भी 46 काता गाने के पास भी भी तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझते हैं देखो जब हम जापान की बात करते हैं यहाँ पर मैंने जापान का नेशनल फ्लैग भी लगा रखा है आप देख सकते हैं जो कि एक रेक्टेंगल वाइट के अंदर एक रेड सर्कल है तो जब हम लोगों की बात करते हैं फिर जापानीज लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो तीन स्क्रिप्ट्स हैं हीरा गाना काताकाना और कांजी जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं हीरा गाना जो होती है वो जापानीज ओरिजिन के वर्ड्स को शो करती है और जो कातकाना है वो फॉरेन ओरिजिन के वर्ड्स को शो करती है और कांजी चाइनीस ईडियोग्राम और पिट्टोग्राम्स हैं मतलब पिक्चर्स और सिम्बल्स हैं तो जो सबसे पहली लैंग्वेज जापान के अंदर आई थी वो थी सिम्बल लैंग्वेज वो थी कांजी द फर्स्ट लैंग्वेज जो कि आई थी जापान के अंदर वो थी चाइनीज कांजी जो कि चाइनीज़ पीपल लेकर आए थे कौन लाया था ओके okay, सो so कांजी को कौन लेकर आया था चाइनीज़ पीपल लेकर आए थे कौन चाइनीज़ पीपल ठीक है ऐसे हम समझ सकते हैं पहले के ज़माने में जब ट्रेडिंग होती थी यानी कोई चीज़ जापान से चाइना जानी है चाइना से जापान आनी है तो ट्रेडिंग होगी चाइनीज पीपल और जापनीज पीपल के बीच में जापनीज पीपल के पास कोई भी रिटर्न लेटर नहीं होता था इन लोगों को देने के लिए कोई रिटन अथॉरिटी नहीं होती थी जो ये स्टेट करे कि चाइनीज पीपल आकर यहाँ पर सेल्स को गुड्स को सेल कर सकते हैं वही चाइनीज पीपल के पास वो अथॉरिटी का सिस्टम चल रहा था तो यही अथॉरिटी का जो सिस्टम था वो जापान में लेकर गए उन्होंने बोला वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स वी नीड सम पेपर्स टू डू बिज़नेस ईयर क्योंकि अगर कोई हमसे भविष्य में अगर बोलता है कि हाँ बिजनेस मत करो यहाँ तुम नहीं कर सकते तो हम उसे ये आपका रिटर्न लेटर दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये है और हम आपके जो राजा हैं या फिर आपके जो भी लैंड के ओनर हैं उन्होंने हमें परमिशन दे रखी है बिज़नेस करने के लिए तो ये अप्रोच थी कांजी की तो कांजी पहली लैंग्वेज थी जो यहाँ पर आई थी और इसीलिए इसके अंदर सिम्बल्स बहुत हैं ओके तो ये बहुत आसान था किसी भी चीज़ को सिम्बल में दर्शाना जैसे कि एक ये क्या है ये पर्सन एक इसको सिम्बल में दर्शाऊँ मैं ठीक है जैनी सिम्बल में दर्शा दिया मैंने इसको ये बना दी मैंने दो टाँगें ठीक है और क्या हो सकता था या फिर मैंने फायर का जो क्या आपको बताया था वो भी एक सिंबल ही है ठीक है तो इट्स ईजी टू डेमस्ट्रेट अ पर्सन इन अ सिंबल सुनने लैंग्वेज को सुना चुना अब जो हीरा गा होती है वो बहुत एंगुलर होती है मतलब बहुत करसिव होती है बहुत घुमावदार होती है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ काता गाना के साथ तो ये बहुत करसिव होती है बहुत घुमावदार होती है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ये हो गया या फिर आप ले सकते हैं ऐसा कोई वर्ड हो गया तो ये बहुत करसिव वर्ड है वहीं तो ये कैसे वर्ड जो हैं वो माना जाता था कि ये वहाँ की फ़ीमेल्स इस्तेमाल करती थी कौन फीमेल्स वहीं काता गाना की अगर बात करें तो काता गाना बहुत पॉइंटी वर्ड्स होते हैं लाइक ये आप देख सकते हैं कैसे पॉइंट है इसके अंदर है ना स्पूकी वर्ड्स होते हैं या फिर ये बोल सकते हैं ऐसा एक ये हो गया या फिर ये ओके और ये भी है ओके सो तो ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत पॉइंटेड वर्ड्स थे है ना एंगुलर वर्ड थे यहाँ पे एंगल्स बन रहे थे और ये वाले जो थे वो बहुत ग्रसिव वर्ड थे बहुत घुमावदार वर्ड्स थे ओके okay. तो अब हमें समझ में आ गया है कि जापानीज़ जो लैंग्वेज है जो तीन स्क्रिप्ट्स हैं वो किस तरीके से कस्टम्स में आई कैसे उनको यूज़ करना स्टार्ट किया गया ठीक है तो ये हमें पता चल गया अब हम पढ़ते हैं हीरा गाना स्क्रिप्ट के कुछ सिम्बल्स देखिए यह है हीरा गा स्क्रिप्ट के कुछ सिंबल्स अब फर्स्ट ऑफ़ ऑल इनका प्रोनान्सिएशन देखना है हमें तो बहुत ही सिंपल प्रोनाशिएशन है दिस इज उ ए ओ फिर से एक बार प्रोनाउंस करते हैं आ ई ठीक है तो प्रोनान्सिएशन कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर आपने एनीमे देखे हैं तो कुछ सिंपल से वर्ड्स हैं जो आपको याद भी हो गए होंगे जैसे कि कुनीचिवा ओहायो ओहायो गुजाइमर्स आई कातु गुजाइमस ऐसे वर्ड्स जो हैं आपको आ, याद भी हो गए होंगे लेकिन जब आप इनको लिखने जाएंगे तो जर्नली जो लैंग्वेज होती हैं जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में अगर आपको ये लिखना है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो आप चाहो तो ऐसे भी ये लिख सकते हो है ना फर्स्ट आप ये वाला लेग बनाओ फिर ये वाला बनाओ तो भी आप ये लिख लोगे अगर आप इस दूसरे साइड से स्टार्ट करो तो भी आप ये लिख रहे हो सो यहाँ पर कोई स्ट्रोक्स का मैटर नहीं है कि आप ये वाला स्ट्रोक मत लो पहले ये वाला लो या फिर ये वाला लो वहीं अगर हम हिंदी को देखते हैं अगर मैं हिंदी को देखूँ तो मैं हिंदी में आ अगर लिखता हूँ तो उसका स्ट्रोक कुछ इस तरीके से बनेगा कुछ लोग हिंदी के अंदर स्ट्रोक ऐसे भी बनाते हैं ठीक है दोनों के अंदर आए जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रोक्स का प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है अगर आपको कोई आ, सिंबल या फिर लेटर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रोक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जैसे कि इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए जो स्ट्रोक ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे आप ये वाला जो साइड है उसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले ये साइड बनाएंगे देन आप क्या बनाएंगे सेकंड स्टेप जो होगा इसका आप ये नीचे जो आ रहा है उसको बनाएंगे यानी इस वाले पोर्शन को बनाएंगे ओके ठीक है एंड देन आप क्या करेंगे तीसरा जो आपका प्रोसीजर कहाँ से स्टार्ट होगा इस एज से स्टार्ट हो गया पूरा कर्स कर्सिव के एकदम कर्व करके आएगा एंड देन आप इसको यू बनाएंगे तो ये स्ट्रोक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए आप इसी स्ट्रोक ऑर्डर में अपनी लैंग्वेज को लिखेंगे फर्स्ट ये एंड देन नीचे वाला एंड आफ्टर दैट ये कफ ठीक है स्ट्रोक वन टू एंड थ्री इसी स्ट्रोक ऑर्डर में लिखा जाएगा नेक्स्ट के पास चलते हैं अगर मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ वर्ड जो है उसका स्ट्रोक स्ट्रोक ऑर्डर का मतलब ये है कि आप पहले ये नहीं बना सकते आपको फर्स्ट ये बनाना होगा फिर उसके बाद आप ये बनाएंगे आपने ये बनाया, ये बनाया फिर ये बनाया फिर ये बनाया ऐसे नहीं चलेगा या फिर पहले ये बना लिया फिर ये बनाया फिर ये ये भी नहीं चलेगा ओके जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर आपको स्ट्रोक ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट दिस टेन दिस एंड देन दिस ओके दिस इज द स्ट्रोक ऑर्डर ओके नेक्स्ट वर्ड के पास चलते हैं नेक्स्ट ये वाला वर्ड क्या था आ क्या था आ ये कहीं ना कहीं हिंदी वर्ड्स की जो मात्राएँ होती हैं ई उनकी तरह ही होते हैं ठीक है ये क्या है वॉवल्स हैं या फिर वॉल्स है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है वो है आपका ई e. क्या है ई e. तो ई e वर्ड लिखने के लिए सबसे पहले आप ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे एंड तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तब तो आप क्या बनाएंगे इस वाले स्ट्रोक को स्ट्रोक को बनाएंगे ओके सो देखो कैसे बनाएंगे हम ये स्ट्रोक बनाया आपने फर्स्ट देन ये स्ट्रोक बनाया सेकेंड ओके फर्स्ट एंड सेकेंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला स्ट्रोक था फर्स्ट और ये सेकंड था ओके okay, आप इसका अपोजिट नहीं कर सकते पहले आप इसको बना लें फिर फिर आप इसको बनाए ये अलाउड नहीं है ठीक है ये स्ट्रोक ऑर्डर सही नहीं है आपको स्ट्रोक ऑर्डर सही रखना पड़ेगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है आपका यू या फिर बोल सकते हैं ओ ओके okay, क्या है ओ ठीक है हमने बोल लिया आ ए, उ? 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 के पास आते हैं ओ अगर आपको लिखना है तो सेम फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर ये है एंड द सेकेंड वन इज दिस ओके आपको स्ट्रोक ऑर्डर अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं सो फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर एंड देन सेकेंड स्ट्रोक ऑर्डर ओके नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्या है ई e. ओके okay. क्या है ओके e. ई okay. e के लिए जो स्ट्रोक ऑर्डर क्या है पहला फर्स्ट एंड देन सेकेंड यह पूरा एक स्ट्रोक है इसका मतलब ओके okay. ये क्या है पूरा एक स्ट्रोक है तो पहला स्ट्रोक ऑर्डर बनाते हैं ये बना दिया हमने इसके बाद हमें क्या बनाना है पूरा एक स्ट्रोक है दिस समथिंग लाइक दिस ओके फिर से एक बार ट्राई करते हैं ठीक है तो ये पूरा क्या है एक स्ट्रोक ऑर्डर है फर्स्ट देन सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड नेक्स्ट क्या है ओ ठीक है क्या हो गया अ ई उ ए ठीक है हम किसके पास है ओ के पास हैं तो ओ के स्ट्रोक ऑर्डर याद रखना है आपको फर्स्ट क्या बनेगा ये बनेगा सेकेंड ये नीचे जाने वाला बनेगा एंड थर्ड आपका ये बनेगा ठीक है फिर से बना लेते हैं एक फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड स्ट्रोक एंड देन थर्ड स्ट्रोक आपको तो याद रखना है फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है थर्ड कौन सा है दिस वन इज फर्स्ट दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज दिस वन इज थर्ड ओके तो ये तीन सॉरी uh, ये पांच वर्ड्स हैं जिनको आप मात्राओं की तरह यूज़ करते हैं पूरे जापानीज uh, हीरा गा स्क्रिप्ट के अंदर हीरा गाना जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर मात्राओं की तरह हम इसको यूज़ करने वाले हैं है ना तो अब हमें कोई वर्ड लिखना है जैसे कि का तो मैं अ जो मात्रा है उसके साथ मिलाकर एक वर्ड लिखूँगा का ओके का कैसे लिखते हैं ये क्या है दिस इज वर्ड का तो इसका प्रोनउंसिएशन क्या है का ठीक है तो किसके साथ इसको मिलाकर ये वर्ड बनाया गया है इसके अंदर ये मात्रा है ओके okay. अगर मैं लिखना चाहता हूँ कु क्या लिखना चाहता हूँ कु तो मेरे को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा ओके वट इज दिस दिस इज़ कु और एक स्ट्रोक ऑर्डर है ये बस एक स्ट्रोक में बनाइए कम्प्लीट वन स्ट्रोक है ये क्या है कु किसको मिलाकर बनाए ये जो यू है आपका इसको मिलाकर ये बना है ओके okay, सो so नीचे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं अगर कोई एग्जाम्पल है हमारे पास तो के अगर मेरे को क्या लिखना है के तो मैं के कैसे लिखूँगा ये फर्स्ट स्ट्रोक ये सेकेंड स्ट्रोक एंड दिस थर्ड स्ट्रोक अगेन फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक धीरे धीरे आप स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रोक अच्छे होते चले जाएँगे नीचे वाला थर्ड ओके याद रखिएगा चलो तो फिर से कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ये किसके साथ मिलकर बने हैं ये क्या है यह ना नी आपने सुना होगा उन्नी चान उन्हीं सान तो नी सान तो ये वही नहीं है जो इस्तेमाल होने वाला या फिर आपने सुना होगा नाना तो नाना में जो वर्ड है वो यही इस्तेमाल होता है नाना नू ना नी नू ने और ये क्या होगा नो ओके दिस नो चलिए तो ना का हम स्ट्रोक ऑर्डर स्ट्रोक ऑर्डर देखते हैं ना का स्ट्रोक ऑर्डर क्या है ना का जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो है कुछ इस तरीके से फर्स्ट आप इसको बनाएंगे सेकेंड आप इसको बनाएंगे तो स्ट्रोक हो, हो गए आपके फिर थर्ड जो है वो ये होगा द फोर्थ वन इज दिस समथिंग लाइक दिस फर्स्ट ओके देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ ठीक है ये एक ना है इसके बराबर में अगर आप एक और ना बना दें तो ये क्या हो जाएगा ना 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 विच मीन सेवन काउंटिंग में हम सेवन को क्या बोलते हैं ना ना नी मतलब टू काउंटिंग में नी को हम क्या बोलते हैं टू ओके सो ये तो सेवन का ओके सो ये ना का स्ट्रोक ऑर्डर हो गया इसको मिटा देता हूँ मैं नेक्स्ट क्या है नी सो so नी का अगर हमें स्ट्रोक ऑर्डर समझना है तो नी का स्ट्रोक ऑर्डर क्या होगा सबसे पहले आप इस कर्व को बनाएंगे फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट वन द सेकेंड वन इज दिस एंड द लास्ट इज़

वॉट इज़ नू तो नू का जो स्ट्रोक ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा फर्स्ट आप इसको बनाएंगे ओके okay, फर्स्ट आप इसको बनाएंगे एंड देन आप क्या बनाएंगे सेकेंड दिस वन ओके सो ये जो सेकेंड वाला है ये पूरा एक ही है और ये एंड कुछ इस तरीके से आका होगा तो आपने ये पहला स्ट्रोक बना दिया उसके बाद सेकेंड स्ट्रोक ये ये आपका क्या है नू no. अगेन फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड स्ट्रोक ओके अगेन फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड स्ट्रोक ओके, तो जो कर्व हो रहा है उसको अच्छे से कर्व करना है हमें नो इसको हम क्या बोलते हैं नो नेक्स्ट चलते हैं ने क्या है ने, ओके ने. सो okay. so, ने का स्टोक ऑर्डर क्या है सबसे पहले आप क्या बनाएंगे ये बनाएंगे ओके देन आप क्या बनाएंगे ये बनाएंगे ठीक तो इट इज़ समथिंग लाइक फर्स्ट देन सेकेंड ओके Second, first, and then second. Okay, what we call it? Ne. The last one is no. The last one is no. Okay, so no. It's a single stroke word, and we'll start from here. Something like this. Okay, something like this. वट वी कॉल्ड इट नो सो इट इज नो विच इज़ अ सिंगल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक वर्ड इसको हम ऐसे लिखते हैं नो ओके सो दीज वर्ड यू हैव टू रिमेंबर दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज द स्ट्रोक ऑर्डर ऑफ द जेपनीज सिम्पल आपको स्ट्रोक ऑर्डर्स याद रखने हैं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें प्रैक्टिस कीजिए घर पे आराम से स्ट्रोक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए कि इसको ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड विल मेट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो सूर्यदेव देव मीना सा